गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विजयलक्ष्मी फ्रॉम विवेकानंद मॉडर्न अकेडमी। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर 10, गोइंग टू स्कूल पार्ट 1। हेयर इज टू चैप्टर्स गोइंग टू स्कूल। सो लेट स्टार्ट गोइंग टू स्कूल चैप्टर 1, मतलब पार्ट 1। ओके, रीडिंग। हेयर इज सम डिफिकल्ट वर्ड्स। गोइंग स्कूल, टू, इसके अलावा भी मैंने यहाँ पे कुछ और अंडरलाइन किया हुआ है, उसको मैंने कॉपी में लिख दिया है, वो आप लोग अपना अपना वर्क कॉपी में कर लेंगे। ओके, तो लेट स्टार्ट। GOING, गोइंग। गोइंग मीन्स होता है जा रहे, गोइंग मीन्स जा रहे। SCHOOL, स्कूल। स्कूल मीन्स विद्यालय, यानी जहाँ पे हम लोग पढ़ने जाते हैं। TOO, टू मीन्स होता है भी। भी का मतलब जैसे हम भी, तुम भी, ऐसे बोलते हैं ना, वो वाला भी। ओके, अब चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। राम एंड अली आर गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे ऊपर देखिए, सबसे आगे पिक्चर में राम एंड अली स्कूल जाते हुए दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं ना। यहाँ पे राम एंड अली आर गोइंग टू स्कूल, यानी राम और अली स्कूल जा रहे हैं। राजा एंड रानी आर गोइंग टू स्कूल, टू। यहाँ पे टू का मतलब दो नहीं है, यहाँ पे TOO नहीं लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है TOO, यानी टू मतलब भी, यानी राजा एंड रानी भी स्कूल जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये राजा और ये रानी, ये भी स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में यहाँ पे एक डिफ़िकल्ट वर्ड है THEY, दे। दे मीन्स होता है वे। दे मीन्स क्या होता है, वे। अब यहाँ पे देखिए, COCO, कोको, ANDE, एंड MILI, मिली, आर नॉट गोइंग टू स्कूल। कोको कौन है? कोको आप लोग पहले पढ़ चुके हैं ना, कोको कौन है? यस, कोको डॉग है ना, कोको इज़ ए डॉग। एंड मिली इज़ ए कैट। तो आर नॉट गोइंग टू स्कूल, नॉट मीन्स क्या होता है, नहीं। तो आर मीन्स होता है, गोइंग मीन्स रहे हैं, जा रहे हैं, और टू स्कूल मतलब स्कूल, यानी कोको एंड मिली स्कूल नहीं जा रहे हैं। आर राम एंड अली गोइंग टू स्कूल, और फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कि ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यानी कि हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि आर राम एंड अली गोइंग टू स्कूल, क्या राम और अली स्कूल जा रहे हैं? तो आपको क्या लग रहा है, ये लोग जा रहे हैं स्कूल कि नहीं? ये लोग तैयार हैं, यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, बैग लिए हुए हैं, इसका मतलब है ये जा रहे हैं। तो यस दे आर, तो हमको आंसर क्या देना है, हाँ वे हैं। यानी यहाँ पूरा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमको क्या आंसर देना है, यस दे आर गोइंग टू स्कूल, हाँ वे स्कूल जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपने देखा, छोटा सा चैप्टर है, 2 पेज का, और यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिख रही है, जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और यहाँ पे मैंने अंडरलाइन जो किया हुआ है, इनकी मीनिंग लिखकर मैंने कॉपी में आपको वर्क दे दिया है, और क्वेश्चन आंसर है, और जो मैंने आपको कुछ जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उनको बार बार लिखने की प्रैक्टिस के लिए लाइन बना के ड्रॉ करके उसको दिया हुआ है, तो आप उसको सही से कंप्लीट करेंगे। तो एक बार फिर से हम लोग उसको रीडिंग करते हैं, और थोड़ा फास्ट करेंगे जल्दी जल्दी से, ठीक है। राम एंड अली आर गोइंग टू स्कूल, राजा एंड रानी आर गोइंग टू स्कूल, टू। नेक्स्ट पेज, कोको एंड मिली आर नॉट गोइंग टू स्कूल, आर राम एंड अली गोइंग टू स्कूल, यस दे आर। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके हम लोग एक्सरसाइजेस, वर्ड मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर देखेंगे। एक्सरसाइजेस मैंने अभी नहीं इसमें दी हैं, आप लोग इसको अब दिखाते हैं अभी हम आपको। ये हमारी बुक कौन सी है, राजा एंड रानी, ठीक।
ठीक है, इसका चैप्टर 10 है। ये देखिए हमने यहाँ पे कॉपी में इसमें लिख दिया है। अब आप इसी को कॉपी में अपने जैसे इसमें लिखा हुआ है उसको वैसे ही उतार लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये है गोइंग टू स्कूल चैप्टर 10 डिफ़िकल्ट वर्ड्स, ठीक है। गोइंग, गोइंग मीन्स जा रहे, स्कूल, स्कूल मीन्स विद्यालय, टू, टू मीन्स भी, दे, दे मीन्स वे, आर मीन्स हैं, एंड, एंड मीन्स और, यस, यस मीन्स हाँ, नॉट, नॉट मीन्स नहीं। तो ये तो हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं मीनिंग के साथ, आपको इसको लर्न करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चंस आंसर्स। क्वेश्चंस आंसर्स, क्वेश्चन क्या होते हैं, जब हम आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, आपको जवाब देना होता है उसको आंसर बोलते हैं। तो क्वेश्चन 1, वेयर राजा एंड रानी आर गोइंग, यानी राजा एंड रानी कहाँ जा रहे हैं, आपको आंसर क्या देना है, राजा एंड रानी आर गोइंग टू स्कूल। क्वेश्चन 2 है हमारा, हु आर कोको एंड मिली, कोको एंड मिली कौन है, कोको इज़ अ डॉग एंड मिली इज़ अ कैट, आर राम एंड अली गोइंग टू स्कूल, आपको आंसर क्या देना है, येस दे आर गोइंग टू स्कूल। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर हो गए। और हमारी यहाँ पे मैंने आपको दिया है वर्क, राइट 8 टाइम्स ईच वर्ड, यानी आपको जो भी वर्ड लिखे हुए हैं ऊपर उनको आपको 8 टाइम्स यानी 8 बार लिखने हैं। मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है GOING गोइंग, फिर आपको यहाँ पे लिखना है GOING गोइंग, फिर नीचे GOING गोइंग, इस तरह पूरी 8 लाइन आपको GOING गोइंग लिखना है। फिर यहाँ पे 8 टाइम्स आपको स्कूल लिखना है, 8 टाइम्स दे लिखना है, 8 टाइम्स टू लिखना है, और इसको बोल बोल कर लिखना है। इससे क्या होगा, आपको लिखना भी आ जाएगा और आपको ये वर्ड्स लर्न भी हो जाएंगे। ओके, तो आप लोग इसको कंप्लीट करके रखेंगे। और आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, इसलिए इसको अच्छे से क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग और जो भी वर्क मैंने दिया है आप इसको लर्न भी करेंगे और कॉपी में सही से करेंगे भी। ओके, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।